हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड राखी आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, दिसंबर का महीना मतलब क्रिसमस का महीना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज केक की रेसिपी शेयर की जाए आप लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा 2 कप, मक्खन 1/2 कप, पीसी हुई शक्कर 1 कप, मुनक्का और खजूर काटकर मैंने रम में भिगाए थे वो 2 टेबलस्पून, विनेगर 2 चम्मच, टूटी फ्रूटी 2 टेबलस्पून, दूध 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 2 चम्मच, वनीला एसेंस 1 चम्मच। तो चले बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और दूसरी कढ़ाई से उसको कवर करके मीडियम फ्लेम में छोड़ दिया है गरम होने के लिए। तब तक हम मैदा को छान लेंगे बेकिंग पाउडर के साथ, 2-3 बार छान लेंगे फ्रेंड्स। अब एक बर्तन में मैं सबसे पहले मक्खन ले लूंगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। मक्खन को हल्का सा फेंट लिया है, उसमें दूध मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं शक्कर भी मिक्स कर लूंगी, इसे हल्का सा मिक्स कर लूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा फेंट लूंगी। मैदा मिक्स हो चुका है तो इसमें मैंने विनेगर भी मिला दिया है। थोड़ा सा मैदा बचा था उसे भी मिला लेंगे और 1-2 चम्मच मैंने रख दिया है, आखिरी में काम आएगा फ्रेंड्स। वनीला एसेंस भी मिला लिया। केक का बैटर रेडी है हमारा, तो अब इसमें मैं टूटी फ्रूटी 1/2 मिक्स कर ले रही हूँ और 1/2 आखिरी में डालूंगी। अब जो मैंने रम में भिगाए हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि मुनक्का और खजूर रखे थे काटे हुए, उसमें वो गीले हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स करके थोड़ा ड्राई कर रही हूँ उसको। ये अंडे के केक में अच्छे लगते हैं, आप चाहे तो इसमें डालें, नहीं भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने केक टिन को ग्रीस कर लिया है, उसमें उसी के साइज का बटर पेपर नीचे से चिपका दे रही हूँ। थोड़ा सा मैदा डालकर इसे अच्छे से फैला ले रही हूँ इसमें। अब इसमें 1/2 केक का मिक्सचर मैं उसमें डाल दे रही हूँ, 1/2 को पहले फैला लूंगी। अब इसमें मुनक्का और खजूर के टुकड़े डाल दे रही हूँ, ये डालें तो भी ठीक, न डालें तो भी ठीक, मेरे पास थी तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। वैसे सिर्फ टूटी फ्रूटी से भी बहुत अच्छी लगती है। अब बचा हुआ मिक्सचर भी उसमें फैला दे रही हूँ ऊपर से। ये केक फटाफट बनती है तो आप लोग भी जब चाहे बना सकते हैं। अब उसके ऊपर से मैंने बाकी की टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। कढ़ाई हमारी बिल्कुल गर्म हो चुकी है तो अब उसको मैं ऊपर वाली कढ़ाई हटाकर उसमें एक छोटा सा स्टैंड रख दूंगी सबसे पहले, उसके ऊपर केक टिन रख दूंगी और फिर से उसको कवर कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत बड़े बर्तन में ले रहे हैं तो देखिए मुझे 45 मिनट लग गए, अगर ये मैं छोटे बर्तन में रख रही होती तो 30 मिनट में रेडी हो जाते। और एक पहचान और है, 45 मिनट हो चुके हैं हमारे, तो एक और है समझने की कि हमारा केक रेडी है, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है फ्रेंड्स। तो समझ लीजिए कि केक रेडी है, देखिए चिपक नहीं रही है, बिल्कुल तैयार है, कलर चेंज नहीं हुआ, बहुत प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। देखिए कितनी आसानी से पलट गया, बटर पेपर निकाल देंगे, अच्छी स्पॉन्जी हो गई है। अब दूसरे प्लेट में पलट के
आप इसे जिस तरह से चाहें उस शेप में काट कर इसे ट्राई करें और बने रहें मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।